नागपुर है ना? अच्छा, नाम नहीं बताए आप, ये बताएं क्या तकलीफ है आपको? जैसे एक नाक दुखनी पूरी है, बुखार होना है, उनके जो दर्शी भी दिन रहना बीपी बीपी दवाई खाने पीछे ऊपर कम फोटो जैसे टाइम है जी बिल्कुल जिंक अच्छे सारे मल्टी विटामिन है जाए बेंच जी। मेरा नाम गुलकार अहमद, जो सेना की तरफ से सीआरपीएफ की तरफ से ये योजना शुरू की जाती है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ इतने पिछले दो चार सालों से यहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी सुनने में आया कि यहाँ सीआरपीएफ की तरफ से बड़ी काफ़ी अच्छी योजना शुरू की जाती है। लोगों तक पंचायत घरों में जाकर, हर हलके के अंदर जाके, हर वार्ड के अंदर जाके लोगों को बोला जाता है। हमारी तरफ से ये घोषणा दी जाती है कि आप लोग यहाँ आएँ, सीआरपीएफ की तरफ से फ्री मेडिसिन, मेडिकल किट्स दिए जाते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं फौज के, सीआरपीएफ के खासकर, और इनके बड़े अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे लिए फौज इतना स्टेप लेती है। तो हर बार ये सिविलियंस के लिए फौज के इतने ये बड़े स्टेप जो होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सिविलियंस को भी कि फ्री मेडिकल दिए जाते हैं यहाँ पे लाके लोगों को। और लोग भी बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सीआरपीएफ की तरफ से फ्री मेडिसिन दी जाती है, तो बहुत खुशी होती है दिल में और धन्यवाद करते हैं सब अधिकारियों का। आज सीआरपीएफ की तरफ से जो 72 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, कल भी हमारा मेडिकल कैंप था जो सिंद्रा गाँव में लगाया गया था, आज यहाँ लगा रहे हैं, इसके बाद में भी हमारे मेडिकल कैंप लगेंगे। इसके बाद राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहाँ पर 3 कैंप राजौरी डिस्ट्रिक्ट में लगना है और बस सुंदरबनी में भी 1 कैंप लगना है। बेसिकली मेडिकल कैंप लगाने का मकसद ये होता है कि पिछले 1 साल से कोरोना महामारी का बहुत दौर रहा है और बाकी योजनाएं कुछ हो नहीं पाई इस दौरान में सिविक एक्शन की, और मेडिकल कैंप इसलिए है कि कोरोना से काफ़ी सारी कोरोना कई लोगों को हुआ है, कईयों को नहीं भी हुआ है, किसी को पता भी नहीं लगा, हो भी गया होगा तो इम्यून सिस्टम कई कमज़ोर हो जाता है, तो उसी मकसद से ये मेडिकल कैंप जगह जगह करवाए जा रहे हैं। स्पेशली वहाँ मेडिकल कैंप करवा रहे हैं जहाँ की लोग शहर तक जाने में उनको दिक्कत है, समस्याएं हैं, पहाड़ी इलाके हैं, कईयों को वहाँ रोड हेड तक जाने में परेशानी होती, तो ये हमने गांव चुना है बेंच गांव, जो कि यहाँ थोड़ा सा पूंछ से दूर भी है, तो ऐसे में हमने यहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए ये कैंप किया है। और बेसिकली हमारी ज़्यादातर दवाइयाँ जिसमें जो इस्तेमाल हो रही है मेडिकल कैंप में, वो मल्टी विटामिन टाइप की मेडिसिन है जिससे कि जो लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत हो, और भी कई सारी मेडिसिन हैं इसमें, जो है यहाँ नॉर्मली प्रॉब्लम होती है लोगों को, घुटने की दिक्कत होती है, आँखों की समस्याएं है, और कई सारी मेडिसिन जो है इसमें वितरित कर रहे हैं। साथ में इसमें हेल्थ चेकअप भी करवा रहे हैं, डॉक्टर हमारे डॉक्टर भी हैं, सिविल डॉक्टर से मदद ली है, वो हेल्थ चेकअप कर रहे हैं फ्री में। इसके अलावा कोरोना से संबंधित उसके जागरूकता के लिए हम सैनिटाइजेशन किट भी वगैरह बांटते हैं, ताकि जिसमें मास्क है, साबुन है, सैनिटाइजर वगैरह है, ताकि लोगों को कोरोना के बारे में अवेयरनेस रहे। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, कई राज्यों में अभी भी कोरोना है, तो ऐसे में हमें उस पर ध्यान रखना होगा। ख़ास तौर से लोग जो है कि दूर दराज के गाँव के लोग हैं वो उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं, तो वो भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि एक बार कहीं अगर गाँव में बीमारी आ जाती है तो वो फिर फैलने में टाइम नहीं लगता है, तो बचाव ही उपाय है, हमेशा मास्क वगैरह लगा के रखें और ध्यान रखें। और स्पेशली यहाँ के जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि खान पीन का विशेष ध्यान रखें,
खान पान अपना शरीर है, इस शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। क्योंकि हम सब इतना टाइम देते हैं सोशल मीडिया में और फालतू के काम में, दुनिया भर की बातें सोचते रहेंगे, पिछली बातें सोचते रहते हैं, जबकि मेन मकसद हमारा यह है कि हमारा शरीर है जिसको हमने पूरा रखरखाव करना है, उसका ध्यान रखेंगे तभी वो हमारा ध्यान रखेगा। बाकी इस तरह के प्रोग्राम और आगे भी चलते रहेंगे, यहाँ पर पूंछ में भी, राजौरी में भी और सुंदरबनी में। इसके अतिरिक्त और जो भी हमारे यहाँ का दो कंपनियाँ हैं पूंछ में, तीन कंपनियाँ राजौरी में हैं, तो ये बीच बीच में हमारे इसके बाद में जो प्रोग्राम होंगे उसका है कि इसके अलावा और कुछ गृह मंत्रालय की तरफ से और हमारे IG जो जम्मू बैठते हैं उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन मिलेगा, उसके मुताबिक और भी सिविक एक्शन प्रोग्राम आगे आने वाले टाइम में होंगे। और यहाँ के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोरोना के बारे में विशेष जागरूक रहें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री आर्थ।